सो दोस्तों, हम यहाँ पे इंतज़ार करते रहे फ्लिपकार्ट का कि वो कब ओमेन 15 2020 के राइजन वेरिएंट्स के एक्चुअल सेलिंग प्राइस लाएगा। लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि अमेजोन पे राइजन 5 4600H वाला वेरिएंट जो है सेलिंग प्राइस के साथ लिस्ट हो चुका है विद ऑल द डिटेल स्पेसिफिकेशंस। तो ऑब्वियसली आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अब लिस्ट हुआ दिखेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट पे MRP के साथ मिलता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे चेक करोगे अमेजोन पे तो आपको सेलिंग प्राइस के साथ मिल जाता है। दोनों में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं की हुई, लेकिन मैं आपके लिए सारी डिटेल्स लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो मैंने हर एक जगह से कलेक्ट करा है, वेबसाइट से भी कलेक्ट करा है, एंड बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में सेशन में बता दूंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस ही नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाला जो ऑलरेडी मार्केट में लैपटॉप है या लैपटॉप्स हैं वो आपको कौन से देखने को मिलते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड आई नो कि आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे ही है एंड आप ये जानना भी चाहते थे। तो चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, डिज़ाइन पे तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी में बताऊं तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा गेमिंग एग्रेसिव लुक्स नहीं दी गई है इस बार। पिछले साल की ओमेन सीरीज से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी क्लीन डिज़ाइन मिलता है। एंड अगर स्पेसिफिकली राइजन वाले वेरियंट्स का बात की जाए तो आपको यहाँ पे जो है रेड बैकलीट का सपोर्ट मिलता है, एंड ओवरऑल आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक वेरियंट आपको अमेजोन पे लिस्ट हुआ दिखा है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लैपटॉप अच्छा लग जाए एंड आपको लग जाए कि वैल्यू फॉर मनी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने ही वाला हूं, तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों, इसमें आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD होगी, एंड मेरा गेस ये है कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। कहीं भी मेंशन नहीं है ये इन्फॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से मैंने इकट्ठा किया है मुझे लग रहा है कि 144 हर्ट्ज का हो सकता है। एंड IPS डिस्प्ले होगी, 300 निट्स ब्राइटनेस एंड 72% NTSC, और फुल HD डिस्प्ले जो मैंने आपको पहले बताया, AMD राइजन 5 4600H जो 11 MB कैशे और 6 Core 8 Threads के साथ आने वाला प्रोसेसर है, विच इज अ गुड प्रोसेसर। 8 GB की आपको DDR4 3200 MHz की रैम मिल जाएगी। आप सिर्फ 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, डुअल चैनल रैम आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर लैपटॉप में कि आपको जो रैम है वो अप टू 16 GB तक ही अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। अगर 32 तक मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपको DDR6 6GB 1660 Ti ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। सो ये एक सबसे बड़ा मेजर हाईलाइट है कि आपको 1660 Ti मिलता है राइजन 5 के साथ, तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उम्दा होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एंड आप लोग ऐसा चाहते भी थे, डिफरेंट वीडियोस में आप कमेंट भी करते हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Acer 1660 Ti लेके आए, Asus 1660 Ti लेके आए, बट यहाँ पे HP ने आपका वो जो है सपना पूरा कर दिया है, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, 512 GB की SSD होगी, फर्दर आप अपग्रेड कर पाओगे अप टू 1 TB SSD। 6 सेल की आपको बैटरी मिलेगी 70.9 Wh की, 200 Wh का आपको स्मार्ट AC अडैप्टर मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा 50% इन 45 मिनट्स, 2.37 kg वेट, Wi-Fi 6, रेड लाइट कीबोर्ड मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो अमेजोन पे लिस्टेड बैटरी है वो तो कम है। देखो दोस्तों, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इसकी बैटरी जो है वो गलत लिस्ट की है अमेजोन ने। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अमेजोन ने 3 सेल बैटरी लिस्ट की है, फ्लिपकार्ट ने 6 सेल बैटरी लिस्ट की है, इतना तो कन्फर्म है कि 6 सेल बैटरी है। उसके बाद हर जगह ये लिखा गया है कि आपको इसमें 12.5 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, एंड कोई भी कंपनी 50 Wh के बैटरी बैकअप पे जो है 12 घंटे का बैटरी बैकअप नहीं क्लेम करेगी। तो ऑब्वियसली बैटरी जो है वो सामने दिख रहा है कि 70.9 Wh ही होने वाली है, एंड बड़े सारे सोर्सेज हमें ऐसे बताते हैं, आप ऑफिशियल साइट में भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो बैटरी इस लैपटॉप का मेजर हाईलाइट है इन एडिशन टू द प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड। तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये तो रहा इसका डिटेल, एंड एज यू ऑल नो जो इसका लिस्टिंग प्राइस है अमेजोन पे वो अराउंड 85,000 है। एंड अब हम कुछ ऐसे लैपटॉप देखेंगे जो आपको ऑलरेडी मार्केट में 1660 Ti के साथ देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला लैपटॉप आपको Acer Nitro 7 मिलता है कोर i5 9th Gen के साथ, जो कि 85,000 में आपको मिलता है। 1 TB SSD मिलती है, 8 GB रैम मिलती है, एंड उसमें 6 GB ग्राफिक्स आपको जो मिलते हैं वो 1660 Ti के हैं। तो ये आपको 85,000 में मिलता है, विच मीन्स कि
ओमन जो है वो प्रेफरेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। दूसरा लैपटॉप आपको लीजियन का मिलता है, लिनोवो लीजियन Y540 एंड ये 89990 का मिलता है 1660 Ti के साथ। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिलता है लेकिन 1 TB की SSD देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 4000 प्राइस ज़्यादा है एंड आई पर्सनली प्रेफर राइजन 54600H विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ NVIDIA GTX 1660 Ti 6GB। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि ओमन जो है वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप Acer Nitro 7 i7 वाला वेरिएंट देखो तो वो 94000 का मिलता है 1660 Ti के साथ। तो ये काफ़ी कॉस्टली है, तो इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली 85000 जो है वो बहुत कम है। उसके बाद आपको Acer Nitro 5 जो 1660 Ti के साथ कोर i7 9th generation के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है वो आपको 94990 का मिलता है। एंड यहाँ पे जो सबसे मेजर कॉम्पिटिटिव Asus TUF A15 जो राइजन 54600H प्रोसेसर के साथ ही 1650 Ti 4GB के साथ आपको 85000 का प्राइस देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि Asus TUF A15 जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो भी राइजन 54600H के साथ आता है लेकिन 4GB 1650 Ti विद 512 GB NVMe SSD प्लस 1 TB HDD के कॉम्बिनेशन के साथ आपको 85000 का प्राइस रखता है। तो आप देख सकते हो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि अब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि HP ने इसको जो है कॉस्टली लॉन्च किया है। अगर 85000 के करीब ये लॉन्च हुआ है, मे बी थोड़े दिनों बाद और प्राइस गिर जाए या फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइस आता है वो तो हमें अभी नहीं पता, बट एट द प्राइस ऑफ 85000 आई विल से कि ये वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करता है। इसीलिए करता है क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, आपको बैटरी अच्छी देखने को मिलती है। ऑल दो इसमें जो मेजर ड्रॉबैक मुझे देखने को मिला वो यही कि रैम आप सिर्फ 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अ गुड लैपटॉप एंड एट द प्राइस ऑफ 85000 जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो जस्टिफाइएबल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको ये वीडियो, मेरे थॉट्स, मेरी एक्सप्लेनेशन एंड मेरे कंपैरिजन सही लगे होंगे। एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी वीडियोस आप लोगों की बातें हम सुनते रहते हैं एंड कॉन्टेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।